ये खडालवा गांव है यहाँ पर यहाँ पे एक भी घर नहीं है। ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और ये मंदिर अपना बहुत दूर दूर से यहाँ पे महंत यज्ञशाला है ये पूरी, तो ये है एक बहुत बड़ी गौशाला। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज है दिवाली और साथ में है आरव का हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे आरव। इसी उपलक्ष्य में आज हम जा रहे हैं शिव मंदिर, जो कि हमारे गांव से 1.5 किलोमीटर दूर है। ये एक है शिव मंदिर खडालवा, वहाँ पे एक फेमस चीज़ है जो कि मैं वहाँ पे पहुँच के आपको बताता हूँ। ओ हेलो करो। हेलो। और ये हम रास्ते में खड़े हैं, वहाँ पे पहुँच के मैं आपको दिखाता हूँ कि शिव मंदिर इतना अच्छा शिव मंदिर बना हुआ है वहाँ पे, दिखाता हूँ आपको पहुँच के। दोस्तों अभी पहुंच गए हम खडालवा शिव मंदिर में। ये है खडालवा शिव मंदिर का गेट और ये इधर गौशाला है और यहाँ पे स्कूल भी है ये। और ये रास्ता अंदर जाता है। यहाँ की एक सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही पुराना शिव मंदिर है। ये खडालवा गांव है यहाँ पर यहाँ पे एक भी घर नहीं है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, यहाँ पे एक भी घर नहीं है और यहाँ पे गौशाला भी है, बहुत बड़ा शिव मंदिर है पीछे मेरे, और साथ में यहाँ पे स्कूल भी है। स्कूल है यहाँ पर यहाँ पे कोई घर नहीं है, एक गांव है पूरा, एक शिव जी की नगरी इसको बोला जाता है। बहुत ही अच्छा मंदिर बनाया हुआ है यहाँ पे। इस स्कूल में आप कहोगे जहाँ पे एक भी घर नहीं है तो पढ़ेगा कौन, तो आस पड़ोस में हमारा पड़ोसी गाँव है मटोर, उधर है हमारा गाँव बड़सिकरी और मटोर के आसपास के बच्चे, कमालपुर के बच्चे भी यहाँ पे पढ़ने आते हैं। ये प्लस टू तक का स्कूल है। ये है यहाँ पे भूसा घर जो गायों के लिए है बनाया हुआ, यहाँ पे चारा स्टोर करने के लिए। दोस्तों हम पहुँच गए मंदिर में और ये है मंदिर का प्रवेश द्वार और ये मंदिर अपना बहुत अच्छा बना हुआ है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं अंदर। शिवरात्रि में बहुत भीड़ होती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। यहाँ से लेके वो गेट था ना पीछे जो, वहाँ तक पूरी लंबी लाइन लगती है और बहुत ही बड़ा मेला लगता है यहाँ पे। ये भव्य गेट है यहाँ पे। ये दानी वीर जो भी गौशाला में दान देते हैं उनके नाम लिखे हुए यहाँ पे तस्वीर। ये अपने नंदी जी, और वैसे शिवरात्रि के दिन यहाँ से आते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है इसलिए। और ये अपने शिवलिंग है यहाँ पे।
तो ये है यहाँ पे माँ काली की गुफा, अंदर जाके भी एक मंदिर है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है यहाँ पे। कभी इधर आओ तो एक बार आना जरूर, यहाँ विजिट करके जरूर जाना, बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को। और इसके अंदर है माँ काली का मंदिर, आप देख सकते हो दो जगह भी है। और ये निकास द्वार है इधर से। और ये है दोस्तों यहाँ का यज्ञ, यहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा यज्ञ होता है, बहुत दूर दूर से यहाँ पे महंत आते हैं। यज्ञशाला है ये पूरी, देख सकते हो आप। और ये पीछे पूरा भंडारा घर है, यहाँ पे पूरा भंडारा घर होता है और कावड़ियों के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। और ये है हमारा विशाल सी मंदिर खडालवा। और साथियों ये है बाहर आके हमारा पवित्र कुंड, यहाँ पे स्नान करने के लिए है और यहाँ पे स्नान करके जाते हैं सारे। आपको दिखा देता हूँ पूरा एरिया, यहाँ पे बहुत अच्छा परिसर बनाया हुआ है शिव मंदिर खडालवा। तो यह दूने की बसम बसी गुरु गांव में तू रहता नहीं भाई? हाँ गांव में तो नहीं रहते, गांव में जो रहेगा उनको मैं 90% पहचानता हूँ। दोस्तों ये है एक बहुत बड़ी गौशाला, कुछ गाय यहाँ पे, एक तो छोटा सा पोर्शन है। तो दोस्तों ये भी यहाँ पे भी गौशाला है अंदर, और वहाँ पे भी है, और ये पूरा खुला पड़ा है जो यहाँ पे भी सारी गऊ है। और यहाँ पे मैं अभी दिखा नहीं सकता, अंदर है ना वो, तो आपको बाद में कभी दिखाऊं। और ये स्कूल है यहाँ का। हेलो दोस्तों, ये था आज का हमारा ब्लॉग, और आप कमेंट कर करके जरूर एक बार बताना कि आपको कैसा लगा। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, और जल्दी जल्दी ना मेरे 1000 सब्सक्राइबर करा दो यार प्लीज़, जितना जल्दी हो सके। और वीडियो को ऐसे ही प्यार देते रहना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या कमी। और ओके, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।